चाहे पेरेंट्स हो चाहे गुरु हो, उन बच्चों के लिए बच्चा बनकर के और न ध्यान रखा जाए, बच्चे की समझ जाए, बच्चों को बच्चा बचा के रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए। रक्षा ना, रक्षा किसकी की जाती है? रक्षा की जाती है, अभी अपन अध्यापक से चला है आजकल रोज ना, और आज संबंधों की बात चली थी, और संबंधों की बात चली थी तो प्रयास हुआ यही बताया था कि संबंधों की भीड़ ज्यादा है ना, किसकी भीड़ ज्यादा है? संबंधों की। और संबंधों की शुरुआत किसने करवाई थी? आदिनाथ भगवान ने, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ उसके पहले संबंध नहीं हुआ करते थे, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं हुआ करता था ना, भोग भूमि में एक माँ दो बच्चों को जन्म दिया करती थी, एक बेटा एक बेटी को, और वही बेटा बेटी पति पत्नी बन जाते थे और बनते ही बनते रहेंगे आगे भी ना, वहाँ भोग भूमि का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। पर जब प्रथम तीर्थंकर भगवान जब वो पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया, वो उस मिथक को तोड़ा ना, उस परंपरा को तोड़ा, और जहाँ दो बच्चे होते थे एक बच्चा हुआ वो आदिनाथ के रूप में हुए ना, तो तीर्थंकर कभी दो नहीं होते, एक ही होता है, एक माँ से एक बेटा पैदा होता है। तो वहां पर उन्होंने ये संबंधों को बनाया, और कितने संबंध बना दिए? 18 नाते उन्होंने बना दिए कि एक व्यक्ति के 18 रिश्तेदार हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 18 रिश्तेदार। पर वो 18 रिश्तेदार इतने भारी पड़ गए अपन पर कि उन रिश्तों ने हमारा जो स्वरूप था आत्मा का उसको भी क्या कर दिया, धूमिल कर दिया। आज हम उन संबंधों के चक्कर में इतने फंसे ना कि अब हमें कुछ दिखाई देते नहीं, अब हमें दिखाई देता है क्या? कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम एक रिश्ते को संभालने के लिए दूसरा रिश्ता संभालने, तीसरा रिश्ता संभालने के लिए बस पूरे हमारा 24 घंटा या साल सदियां इसी में निकलती है ना। और अब देखें कि हम सबको संभालते संभालते हम खुद बिगड़ जाते हैं, संबंधित चाहिए और स्वभाव भी चाहिए। अभी मैं वैसा सोच रहा था कि मान लो किसी के घर में जो संबंध है, और यदि संबंध में यदि हम देखें कि कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, हल्का सा भी ना, पति ध्यान ना दे या बेटा ध्यान ना दे तो हमें कितनी पीड़ा होती है, और हम रोते हैं, विलखते हैं, गुरुओं से सलाह मांगते हैं, अपना पंडित को जनपति दिखाते हैं, सोचो परमात्मा कहता हम लोग परमात्मा से मांगते संसारिक लौकिक चीजें, और परमात्मा कहता कि तेरे पास इतनी कीमती चीज है आत्मा के रूप में, तू चाहे तो भगवान बन सकता है, और तू अगर हमसे मांगता भी है तो छोटी मोटी चीज मांगता है, और छोटी मोटी चीज लेने में हमें शर्म होती है, क्योंकि दुकान दो प्रकार की होती है, एक रिटेल होती है और एक होलसेल होती है, मतलब होलसेल का काम है। और फिर लोग होलसेल की दुकान में जाकर के एक ही सामान मांगते हो, हाँ एक ही समान आ गए ना, अब का वो कहते हैं भैया हमारे पास नहीं है, तू सुना जाओ ना, यहाँ नहीं मिलता सामान, फुटला नहीं मिलता, फुटला नहीं बेचते, कहीं कहीं है कोई कार्ड कार्ड वाले वाले सीधे जाओ
था तो माल कहाँ जाता है? गुरुओं के पास। पर गुरु के रखने को ट्रेन नहीं थी, भैया जाओ ले जाओ, एक सामान ले जाओ, दो ले जाओ, तीन ले जाओ, चार ले जाओ, नियम दे दो ना, नियम छोटे नियम पर फास्ट कर लेते हैं, एक नियम दे दो, दो नियम दे दो, ऐसा दे दो, दे दो ना, छोटे छोटे नियम लेते हैं। तो वहां से इकट्ठा आता और यहाँ पर पढ़ते छोटा छोटा ना। तो यहाँ आचरण वाले बोल रहे कि तुम्हें कभी मांगना भी नहीं आता, तुम्हें भी करता मांगना भी नहीं आता। क्या मांग रहे हो, किससे क्या मांगना चाहिए ना? एक महिला ने कहा कि सवा लाख मंथली जाप करेंगे और सवा लाख मंथली जाप से उसको देवदस हो गया। हाँ देवदस हो गया और देव अप्रैल हो गया, बोला हम बहुत खुश हैं, माँ को क्या चाहिए, वो डर रही उसका बाद 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 है ना, अभी बुला रही ना। और मंदिर गई रोचा सुने, रोचा सुने का बाहर गई चप्पल बोल ना, तो देवता को याद किया, देव अप्रैल का हुक्म करो क्या चाहिए, देखिए मैं चप्पल खा लेगा।
और उसी में तस्करी डाल दो तो रिलाइट करना है रहेगा है। अब तुमने छोटी चीज मांगी महाराज से भगवान से, अब भगवान तुम्हें देंगे तो उनकी पूजा उतनी खर्चा होना है उतनी उनकी पूजा उतनी चाहिए। तो उसको लगता तो हमारी छोटी चीजों की पूजा कर सकते हो ना, कल के शांति हो जाए महाराज शांति हो जाए आसन दे दियो महाराज खास हो चल रही है तीन दिन से बहुत परेशान है मेरे साथ में बच्चे जाओ मेरे साथ में दसात के लिए दिन सुनो तो ये कुछ नहीं थे ना क्या छोटी चीज मांगो ना कोई दुकान तो नहीं आई डॉक्टर की कहना तो छोटी मांगो बड़ी चीज मांगो क्या मांगो भगवान महाराज जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से मुक्ति दिला दो ना ये मांगो बड़ी चीज मांगो उनको भी देने पसीना आ जाए ना वो भी सोचे कि इनका कहाँ से इनका एक बड़ी चीज इसके लिए तो हम भी अभी लगाए थे ना तो अपने आप नहीं कर सकते ये काम कर जाओ एक आचार्य एक चक्रवर्ती हुए हैं सनत चक्रवर्ती बोलो कौन से हुए हैं दस बोलो हाँ चक्रवर्ती थे भगवान बनना था उनको ना मुनिराज थे मुनिराज पर जो असाधा कर्म का उदय किसी का कभी भी आ सकता है मुनि महाराज के रूप में ही आ सकता है और उनका जब मुनि राज थे तो उनका असाधा कर्म का उदय आया और उनके शरीर में कुछ रोग हो गया क्या हो गया कुछ रोग और कुछ रोग भी कैसा हो गया हरी सफेद दिखने वाला नहीं टपकने वाला ऐसे ना अब वो शरद चक्रवर्ती ऐसे चक्रवर्ती हुए कि जिनकी दो बार परीक्षा ली गई देवताओं ने पहले स्वर्ग में चर्चा चली स्वर्ग स्वर्ग के पास तो किसी ने पूछा कि महाराज ये बताओ दुनिया में कोई सुंदर व्यक्ति है तो मेरा सर चक्रवर्ती तो देवताओं ने परीक्षा ली है ना फिर चर्चा हुई कि ऐसे कोई मुनिराज है क्या जिन मुनिराज को अपने शरीर से कोई मतलब ना हो कहा है कौन है ईश्वर चक्रवर्ती तो पहले कृष्ण जीवन उनकी परीक्षा हुई तो स्वर्ग से दो देव उन्हीं परीक्षा लेने के लिए आए और क्या लेने आए और उन्होंने कहा कि कैसे ना परीक्षा उन्हीं बात शुरू से देनी तो उन्होंने वेद का रूप बना लिया कैसा रूप बनाया यहाँ सुना कैसा रूप बनाया वेद का और वहीं अब जहाँ जंगल में खड़े थे साधु शरदर का नहीं था जंगल में रहते थे जंगलों में खड़े थे और जंगल में खड़े थे तो जंगल शिखर के नीचे तो वो बैठ जी बना करके और वही घूमने लगा और आवाज लगाने लगा कैसा भी रोग हो आदि व्याधि हो उसका अचूक दवा मेरे पास है। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जंगल में हर कोई देखने वाला जब ना बनाएंगे अरे ये लगाओ तो रोग आपका रोग सुबह रोग तो छोड़ो तो दवाई बेचना है हाँ। तो यार जंगल में क्यों चला रहे हो दवाई बेचना है तो शहर में जाओ नगर में जाओ माल खाई दवाई लेने वाली बहुत सारी लोग नहीं बोले नहीं जा तो मैं शहर ही रहा हूँ मगर मैंने आपको देखा कि कुछ रोग रहे हैं आपको तो मैंने इसे सोचा आवाज लगाई कि आपको जरूरत होगी मैं आपका कुछ रोग को ठीक कर सकता हूँ ना क्या कहा मैं आपके कुछ रोग को ठीक कर सकता हूँ इसलिए मैं आवाज लगा रहा हूँ महाराज बोले कि हमें कुछ रोग की दवाई नहीं चाहिए कुछ रोग की दवाई नहीं चाहिए अगर तुम्हारे पास दवाई है तो एक काम करो जन्म जरा मृत्यु इससे मुक्ति की दवाई दे दो यह दवाई दो जल्दी प्राप्त देवता देवता दवाई दवाई थी बोला महाराज ये दवाई तो मेरे पास नहीं ये तो आपके पास है ना तो बस
पर एक मिलित भ्रम की दवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु की दवाई कम नहीं है, विचरण में इस दवाई क्या हो सकती है ना। और हमारे पास तो कुष्ठ रोग की दवाई है, तो देखता बोला व्यक्ति के रूप में था और कुष्ठ रोग की दवाई तो कितना सुंदर उन्होंने आदर्श पेश किया सनत चक्रवर्ती महाराज ने, बोला कुष्ठ रोग की दवाई तो हमारे पास भी है। क्या बोले? कुष्ठ रोग की दवाई तो हमारे पास भी है, मैं जैन मुनि हूं ना, तो दवाई देखना है। उन्होंने कर दिया, तुरंत उसे घड़ा गड़ा खींचा, क्या बोला, हाथ से थूक निकला और थूक को उन्होंने कर दिया अपने हाथ पे थूक दिया, अरे हाथ पे थूका सारा हाथ स्वर्ण की तरह से चमक गया। बोले कि दवाई की बात कर रहे हो, जैन मुनि का मुंह से निकला हुआ थूक, मूत्र, मल, पसीना, मेल, नाक का मल, कान का मल, मुंह का मल, ये भी दूसरों के लिए दवाई है ना। और तब तो मंत्रा दे तो देखा ना देखा और तुरंत चरणों में नतमस्तक हो गया, बोला कि मैं समझ है गलती उसे और मैं असली रूप में आ गया, तो मैं तो देवता हूँ, मैं तो जानता हूँ, पर मैं तो परीक्षा लेने आया था कि आपको अपने शरीर से मंगल प्रभाव है या नहीं, ऐसे ऐसे मिला हुए ना। एक ही भाव स्तोत्र जो अपन पढ़ते हैं, आपने पढ़ाओ तो पढ़ाओ पता नहीं, एक ही भाव स्तोत्र ना, मुनि राज बाद राज सूरी जिन्होंने एक रात में अपने पूरे शरीर का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया, एक रात में ना, सिर्फ काय के लिए, सिर्फ जैन धर्म की अप्रभावना ना हो ना, राजा कुछ गलत ना सोचे जैन मुनियों के बारे में, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रात में कुष्ठ रोग ठीक कर दिया, राजा जेल का हुई धर्म जेल का हुई। ये क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि नग्न जो व्यक्ति रहता हो उसके पास ना हजारों लंबी शक्तियां हो जाती हैं, हजारों लंबी शक्तियां। अब ये बात अलग है कि पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में हमको ही अपने सिद्धि सिद्धियों पर विश्वास नहीं ना, हमें अपनी सिद्धि सिद्धियों पर विश्वास नहीं है, इसे हमें क्या करना पड़ता है ना, हम याचक बनकर के समाज के बीच रह जाते हैं ना, याचना करेंगे याचक बनकर रहेंगे ना, सिद्धि सिद्धि विश्वास ही नहीं ना। एक तो मुनि का मुनि महाराज का तो देखना भी एक मंत्र ना, देखना भी मंत्र होगा। अगर मुनि राज आप प्रमोशन क्यों करते हैं महाराज को, क्यों करते हैं प्रमोशन करते हैं महाराज जी, नमोस्तु हे मुनि राज नमोस्तु। और मुनि राज ने क्या किया, वहां कुछ जाप कर रहे थे पढ़ रहे थे और उन्होंने क्या किया, बड़ी आस्था के साथ उन्होंने आंख उठाई, आपका देखा और आपकी आंख से आंख मिल गई और उन्हें आश्रम दे दिया। बोले कि इतने में ठीक हो गए। बोले एक आशी दिस नाम का एक सर्प होता है, आशी दिस नाम का सर्प होता है जिसके ना काटने से व्यक्ति तुरंत मर जाता है तुरंत। और बोले कि किसी को आशी दिस नाम का सर्प काट खाए और दिगंबर मुनि जो पूर्ण रूप में अपने में रहते हैं, ये धारणा जो मुनि पूर्ण रूप में अपने में रहते हैं और संसार से कोई मतलब नहीं है ना, आपसे मतलब है स्त्री देव आप या की है सही के आप की स्तुति कर रहे हैं ना, अपने आप में लीन हैं और ऐसे मुनिराज वो मुनिराज अगर उस व्यक्ति को देख लेते हैं उसको उसके देखने मात्र से आपसी जैसे सर्व का जो दृश्य है वो खत्म हो जाता है। कोई मंत्र नहीं करना है, कोई तंत्र नहीं करना है, कोई झाड़ा झूठ नहीं करना है, देखने मात्र से इतना सत्व एक दिगंबर मुनि को हो सकता है, चतुर्कार न होता है ना और आज ही होता है, मगर वो कब जब मुनि राज अपनी आंखों को ही बचा करके, अपनी आंखों को ही बचा करके उसका कम उपयोग करें, कम उपयोग करें ना, कम उपयोग करें देखने का, कम उपयोग करें मुंह से बोलने का। और क्या होता है, बोलना 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 लगातार बोल रहे ना, थके नहीं रहे ना, बोले जा रहे सामाय छोड़ दे और प्रतिमन छोड़ दे और स्वाध्याय छोड़ दे, लगे हैं बोल चाल करें हंसी मजाक करने में, क्या होगा ऊर्जा शक्ति कम होगी। इसलिए नहीं तो वही
और अभेद नासिका सकल रति सिद्धियों के खाली भूमिरा होते ना, जहां बैठ जाए वही तीर्थ है ना, जो मुंह से बोलते हैं वो मंत्र है। पर क्यों अब उसके पीछे रहते हैं तो हमको वो माहौल नहीं मिल पाता, प्रतिकूल स्थितियां। तो एक तो पहली बात क्या है, प्रतिकूल स्थिति। दूसरा कहते हैं प्रतिकूल स्थिति के बाद अब वो शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, आहार में भी शुद्धि नहीं है। फिर उसके बाद मन ही थोड़ा सा वो चला है, मार्शल का चला है माने ना, यहाँ भी प्रतिस्पर्धा है ना, एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है। अब ये सब चीजें होने से जो रिश्ते होती थी अब आज के समय में होनी बात प्रस्ताव में मिल जाएगा। अच्छा अच्छे जैसे ऐसे पंडित मिलते हैं बात प्रस्ताव, अच्छी अच्छी बात करने वाले, अच्छी अच्छी तर्क तर्क देने वाले, ऐसे बहुत से मिलान मिल जाएंगे, एक से मिलान मिल जाएंगे। पर उनके जब निकट बैठो, चलिया देखो, उनके भाव सुनो, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार की झलक मिल जाएगी ना, बस बाधा कहीं जाति बात मुनिमा के अंदर मिल जाएगा, कभी पंथ बात मुनिमा के अंदर मिल जाएगा। जिन चीजों से मुनिमा परे होना चाहिए उन चीजों में वो आसक्त हुए, इसलिए क्या हुआ जल्दी शुद्धि होना चाहिए थी, वो प्रथा नहीं हो पाई ना। तो हम बात कहने करते कि ऐसे मुनिमा जिनके अंदर सब कुछ है पर हम उनके सब को समझ नहीं पाते, हम जाएंगे भी तो हम उस भाव से जाते हैं, उस भाव से जाते ही नहीं आते बस ना। तो ना आप उस भाव से आते हो ना हम अपने वो भाव देते हैं आपको जो भाव देना चाहिए, इसीलिए वो क्या होता है हम परेशान होते हैं, यही बात है। और एक अजैन व्यक्ति ऐसी श्रद्धा से आता है ना, एक सभा आता है, एक बार में आकर के वो बहुत खुश होकर चला जाता है, नहीं मिलना एक बार सोने के चला जाता है ना। कहने का अर्थ है कि हमारे पास काम धर्म का है, मुझे नहीं काम धर्म का है, पर मैं किस भाव से आओ ना, जो भाव लेके आओगे ऐसे रहेगा। किसी को भूख लग रही हो बहुत तेज और वो सराफा की मार्केट से कपड़े की मार्केट से निकल रहा हो, वो एक ही दुकान देखेगा और समझ लेगा वो तो उसका मन उसके दिमाग आंखें मन कायम लगा है, होटल से जाए खेलत जाए नहीं सब है तो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो उसके दिमाग भूख लगे वो, ऐसे ही हम लोग भी कोई ना कोई भूख लेकर के भगवान पास पहुंचाते हैं, गुरु के पास पहुंचाते हैं ना। तो आप कहते हैं मुनि महाराज को देख पाते हैं जो चीज दिमाग में चल रही है वो मुनि महाराज के सामने भी कोई चीज बीच में खड़ी हो जाती है ना, और हम क्या करते हैं वंचित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य बोले कि हम बहुत कुछ ले सकते हैं पर उनको उसी श्रद्धा उसी आस्था उसी विश्वास के साथ जब हम श्रद्धा से कहते ना, भगवान कहते हैं मानो तो गंगा पाप हूं नहीं तो और नहीं तो कि हम अपने जीवन में बाहर ला सकते हैं ना, मगर सकते सकते हैं ना, ले आए जरूरी नहीं है ना। और कुछ लोग बाहर ले भी सकते ना, इसलिए हम उस बाहर को अपने जीवन में प्राप्त करें, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, मैंने ऐसी चीजें प्राप्त की हैं गुरुदेव से, क्या क्या प्राप्त की हैं वो तो तब बताऊंगा, अब तो टाइम हो गया है ना। पर क्या क्या चीज प्राप्त की है इसी पंचम काल में ना, बहुत कुछ प्राप्त किया है मैं आपको बताऊंगा कल। आज मैं पानी नहीं प्राप्त होगा, आज हमारे रईस जी का बर्थडे मधुर सब कुछ कर दो सब लोग।